हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। और दोस्तों इस वर्ष भी जो हमारा 7वां पोषण माह है वह 1 सितंबर से और 31 सितंबर तक रहेगा। तो इसी बारे में दोस्तों मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारा विभाग से आदेश आया है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पर जो पत्र है ये निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये पत्र है जो 30 अगस्त को जारी हुआ है। और इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश। विषय है दोस्तों यहाँ पर 7वें पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर दिनांक 31/8/2024 को आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पेड़ माँ के नाम। तो दोस्तों ये मुख्य थीम है हमारा 31 अगस्त को जो पोषण माह का शुभारंभ होगा 31 अगस्त को, उसमें हमें ये एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत विशेष वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों आगे देखते हैं, कृपया उपरोक्त विषय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या, ये जो दोस्तों यहाँ पर पत्र संख्या लिखी है इसमें फिर आगे है दिनांक 22/8/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 7वें राष्ट्रीय पोषण माह दिनांक 1 सितंबर 2024 के शुभारंभ के अवसर पर जनपद स्तर के संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 31/8/2024 को प्रातः 10 बजे से 11:30 11:30 तक विशेष वृक्षारोपण गतिविधि का आयोजन कराए जाने व वृक्षारोपण गतिविधि आयोजन उपरांत पोर्टल पर सूचना फीड कराए जाने के जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त गतिविधि का आयोजन कराते हुए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जनपद स्तर पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशेष वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित करते हुए पोषण अभियान पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों 31 तारीख को पोषण माह का शुभारंभ है और इसके अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम से एक पेड़ आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर अपने लगाना है। और इस गतिविधि को जो आप पेड़ लगाओगे वहाँ पर आपको एक फ़ोटो क्लिक करना है और प्रतिवर्ष की भांति वह फ़ोटो आपको पोषण अभियान वाले पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए जो आईडी पासवर्ड हैं, जो अगर आपके पास पिछले साल जो आईडी पासवर्ड थे अगर आपके पास हैं तो वही आईडी पासवर्ड आपके अब की बार भी रहेंगे। और अगर आपके पास आईडी पासवर्ड कहीं खो गए हैं तो आप अपने कार्यालय से अपने आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, वहाँ से आपको अपने आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे आपको इस गतिविधि को फीड करना है, कहाँ से फीड करना है, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में आना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है ऊपर पोषण अभियान POSHNABHIYAN, इतना लिखकर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले ही वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, पोषण अभियान लिखा हुआ जाएगा, आपको इस पर ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पोषण अभियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है एक पेड़ माँ के नाम और यहाँ पर लिखा है प्लांट फॉर मदर। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ये चित्र भी दिए गए हैं फोटो लगाते हुए और पेड़ लगाते हुए। अब दोस्तों जो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पेड़ लगाएंगे उसके आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्रोम ब्राउज़र पर इसकी वेबसाइट खोल लेनी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डाटा एंट्री फॉर प्लांट फॉर मदर, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये डाटा एंट्री लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको यहाँ पर डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स फॉर्म ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्रुप। ग्रुप में यहाँ पर ट्री प्लांटेशन ऑटोमेटिक फेड आ रहा है। दूसरा है यहाँ पर सेलेक्ट थीम। जैसे ही आप सेलेक्ट थीम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा, एक पेड़ माँ के नाम और प्लांट फॉर मदर। आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र में दोस्तों हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा यहाँ पर है आपको ऐसे ही रहने देना है। अब चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर लेवल। आप किस लेवल से फीडिंग कर रहे हैं, आप ब्लॉक लेवल से फीडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक आंगनवाड़ी केंद्र लेवल से फीडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके AWC सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा सेलेक्ट AWC। आप जिस भी केंद्र से बिलोंग करते हैं आप उस केंद्र को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट एक्टिविटी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्री प्लांटेशन अलोंग विद प्लेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर डे फ्रॉम डेट टू डेट। फ्रॉम डेट और टू डेट में दोस्तों आपको यहाँ पर 31 तारीख को ही सिलेक्ट कर लेना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 31 तारीख में ही शुभारंभ कर रहे हैं। जो डेट फिक्स की गई है 31 अगस्त है, 31 अगस्त को ही आप यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल्स। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड यानी कि कितने आपने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। और उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा अपलोड पिक्चर का। जो दोस्तों फ़ोटो आपने अपने पेड़ लगाते हुए खींची थी और आपको यहाँ पर ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फ़ोटो गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से दोस्तों आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ ट्री प्लांटेड यानी कि आपने कौन सा पेड़ लगाया। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो कैटेगरी है पेड़ों की वो मिल जाएगी, जैसे आम, आंवला, एलोवेरा, अमरूद, अनार, अंजीर, अर्जुन, अशोक, बबूल, बरगद, चमेली, चीकू, डाबर, इमली, जामुन, कदम, कड़ी पत्ता, केला, खजूर, नींबू, नीम, पपीता, पपरी, गंजू, पीपल, सहजन, सहतूत, सीताफल, अदर्स। तो दोस्तों जो भी आपने अगर एक से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पेड़ों को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जितने भी आप पेड़ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसकी जो संख्या होगी आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। जैसे हमने भी यहाँ पर 3 पेड़ों को सिलेक्ट किया था, तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों ये पूरा फॉर्म आपको ऐसे ही फिल करना है और एक एक पॉइंट को आप सही तरीके से फीड कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शुभारंभ में ही अगर आपकी एंट्री अच्छी होती है तो आपको पूरे महीने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंट्री करने में। अब दोस्तों पूरा फॉर्म ऐसे कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट में ये सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके केंद्र से जब जिस केंद्र से या ब्लॉक से फीडिंग कर रहे हैं आपकी फीडिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, जो पोषण अभियान वाले पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ आ गया होगा कि 31 तारीख को कैसे गतिविधि आपको करनी है और क्या गतिविधि करनी है, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे आईडी पासवर्ड डालना है। और आईडी पासवर्ड का मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप अपने कार्यालय से, अपने CDPO जो आपके मुख्य सेविका हैं उनसे आप अपना आईडी पासवर्ड लेकर यहाँ पर इसको डालकर लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे आप फीडिंग को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी अपनी फीडिंग को कंप्लीट कर सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पोषण अभियान की।